टॉम गुड मॉर्निंग आज है सेवेंथ जनवरी तो चलिए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और ये करेंट अफेयर्स बनाया जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर से साथ में पीआईबी इंडिया से और बहुत सारे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट साइट से तो करेंट अफेयर्स पूरा देखें सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क और वीडियो के अंत में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे विच स्टेट और यूटी हैज सेलिब्रेटेड लोसार फेस्टिवल लोसार फेस्टिवल एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है लद्दाख का जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है अभी उसके अलावा लद्दाख फेस्टिवल देखते हैं तो वो है साका दावा प्योंग तेसद्यू देखिए साका दावा भी बुद्धिस्ट द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और इसे मेन फेस्टिवल ऑफ लद्दाख बताया गया है इस पिक में दिखाया गया है लोसार फेस्टिवल को जिसमें लोग मास्क पहने हुए हैं करेंट अफेयर्स सीरीज़ देख लेते हैं ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर किया गया है विच स्टेट यूटी विल होस्ट द ट्वेंटी फिफ्थ नेशनल यूथ फेस्टिवल ट्वेंटी फिफ्थ नेशनल यूथ फेस्टिवल किस स्टेट या यू टी ने होस्ट किया है तो देखिए ये फेस्टिवल होस्ट किया जाएगा पौंडीचेरी के द्वारा ये सेलिब्रेट होने वाला है 12 से लेकर सोलह जनवरी के बीच में इम्पोर्टेंट है ट्वेंटी फिफ्थ नेशनल यूथ फेस्टिवल पौंडीचेरी में होने वाला है इस फेस्टिवल का टैगलाइन क्या है सक्षम युवा स्वस्थ शाश्वत युवा क्या है टैगलाइन सक्षम युवा शाश्वत युवा युवा साथ में यहाँ पे मैस्कॉट जो है वो है एक स्क्यूल ध्यान रखें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ विच बैंक बिकम द शेड्यूल्ड बैंक शेड्यूल्ड बैंक कौन सा बैंक बन गया है तो वो बन गया है एयरटेल पेमेंट बैंक शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है कमर्शियल बैंक को दो भागों में बांटा गया है शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो पब्लिक बैंक भी हो सकते हैं प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं और फॉरेन बैंक भी हो सकते हैं ड्यूल्ड बैंक वो बैंक को कहते हैं जो बैंक सेकेंड शड्यूल्ड एक्ट जो कि आर का है उसमें लिस्टेड होते हैं उसे कहते हैं सेड्यूल्ड बैंक बैंक्स आर आर बैंक लिस्टेड इन ऑफ आरबीआई एक्ट साथ में उस बैंक के मिनिमम अप कैपिटल पांच लाख होने चाहिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ विच स्टेट हैज हाइस्ट नंबर ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज है तो वो राज्य है तेलंगाना जी हाँ तेलंगाना ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और इसके बहुत सारे विलेज जो हैं वो ओपन ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर फोर ओपन रॉक म्यूज़ियम हैज़ इनोग्रेटेड एट अभी हाल में ओपन रॉक म्यूज़ियम बनाया गया है इसका इनोग्रेशन कहाँ किया गया है ये भी साउथ इंडिया हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया है ओपन रॉक म्यूज़ियम सन सी नेशनल जोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद तेलंगाना में तो देखिए तेलंगाना में ये इंस्टीट्यूट इनोग्रेट किया गया है ओपन रॉक म्यूज़ियम इनोग्रेट किया गया है कौन से इंस्टीट्यूट में तो सी यानी सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल जोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद में है वहाँ पे ये क्या है ओपन रॉक म्यूज़ियम एक ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ़ रॉक्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ़ रॉक्स गैदर किए गए हैं डिफरेंट स्टेट से देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वैरायटी ऑफ रॉक्स मिलते हैं यहाँ के हर रीजन में डिफरेंट सोइल मिलता है तो वैरायटी ऑफ रॉक्स मिलने के कारण एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है जिसका नाम है ओपन रॉक म्यूज़ियम जो कि हैदराबाद में बनाया गया है क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं देखिए वीडियो अगर आप रेगुलर देखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे साथ में वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्वेश्चन नंबर फाइव कैप्टन हरप्रीत चाँदी बिकम द फर्स्ट वीमेन टू कम्प्लीट अ सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक ऑफ साउथ पोल सी बिलोंग्स टू विच कंट्री देखिए कैप्टन हरप्रीत चंदी जो हैं वो पहली वीमेन है जो कि कम्प्लीट की है साउथ पोल को ट्रैक करना ये बिलोंग करती है ब्रिटेन से एक्चुअली में इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश है जो कि फोर्टी डेज तक ट्रेवल करते हुए साउथ पोल को ट्रैक किया है यह आसान तो नहीं था क्योंकि क्लाइमेट बहुत हार्श है और यहाँ पे माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो सोचिए अभी इतनी ठंड है तो हमें ठंड लगती इन्होंने माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस में जाकर यह काम पूरा किया है ठीक है इन्होंने सेवन हंड्रेड माइल ट्रैवल किया और चालीस दिन में साउथ पोल को ट्रैक किया इनका नाम है हरप्रीत चांदी क्वेश्चन नंबर सिक्स एल एन मस्क टेस्ला हैज हायर एन इंडियन ओरिजिन एज पायलट इस देखिए ये काफ़ी न्यूज़ में था एल एन मस्क टेक्सला कंपनी ने एक हायर किया है एक इंडियन को उनके पहले एम्प्लॉय को वो एक इंडियन ओरिजिन है उनका नाम है अशोक इलोस्वामी अशोक इलोस्वामी को सेलेक्ट किया गया है टेक्सला कंपनी के द्वारा जो कि एल एन मस्क की कंपनी है एज पायलट अगर करियर की बात की जाए तो इन्होंने बी किया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गो चेन्नई से और मास्टर किया है रोबोटिक्स में मेलन यूनिवर्सिटी से ये ट्विटर द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं ट्विटर सोशल मीडिया में काफ़ी छाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर सेवन रिसेंटली आरटीपीसीआर किट हैज़ डेवलप्ड टू डिटेक्ट ओमिक्रोन नेम्ड देखिए ओमिक्रोन जो वेरिएंट है उसका जिनोम सिक्वेंसिंग बहुत डिफरेंट है जिसे नॉर्मल आर टी पी सी आर से वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है ऐसे में एक आर टी पी सी आर किया गया है जो कि ओमिक्रोन को ट्रैक करेगा नाम बताएँ वो है ओमिश्योर ध्यान रखें ओमिश्योर हैज़ डिवलप्ड बाई टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स तो ओमिश्योर किसने बनाया है तो ये डेवलप किया गया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा और एक यूएसए कंपनी है दोनों मिलकर बनाई है ओमिश्योर ताकि ओमिक्रोन का जीन्यूम सिक्वेंसी एनालाइज किया जाए और आरटीपीसीआर को सक्सेसफुल बनाया जाए आरटीपीसीआर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो याद रखें आरटीपीसीआर टेस्ट है जिससे कोविड के बारे में जानकारी मिल पाती है इसका कॉस्ट है रुपीज़ टू हंड्रेड फिफ्टी और इसे अभी हाल में अप्रूवल दिया है ड्रग कंट्रोल जनरल इंस्ट्रूमेंट यानी डी जी सी आई ऑफ इंडिया डी सी जी आई ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूवल दिया है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ़ इंडिया ये कब बना था ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो देखिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ़ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये बना था 1940 में किस एक्ट के द्वारा तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के द्वारा और अभी इसका हेडकोार्टर न्यू दिल्ली में अभी हाल में काफ़ी ज़्यादा इसके पावर को बढ़ाया गया है और इसका काम है रेगुलेट करना ड्रग इंडिया में तो याद रखें ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है अप्रूवल दिया है ओमिस्योर को ओमिस्योर क्या है आरटीपीसीआर टेस्ट किट है फॉर ओमिक्रोन क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव अ मार्केट कैप ऑफ थ्री ट्रिलियन देखिए थ्री ट्रिलियन मार्केट कैप्चर करने वाली कंपनी है थ्री ट्रिलियन मार्केट कैप यानी बहुत ही ज़्यादा अर्निंग की है वो कंपनी है एप्पल जी हाँ एप्पल का आईफोन और एप्पल का मैक काफ़ी फेमस है और दोनों ने मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस कोविड सिचुएशन में भी और एप्पल ने क्रॉस किया है डॉलर थ्री ट्रिलियन जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है साथ में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वन ट्रिलियन से अधिक पैसे अर्न किए हैं जैसे अमेजन अल्फ़ा अल्फ़ाबेट जो कि गूगल का ही एक पेनेंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और टेक्सला ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी अटल पेंसन सब्सक्राइबर हैंन इनक्रीज टू देखिए अभी हाल में एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि फोर्टी करोड़ इंडियंस जो हैं वो केवल इंश्योरेंस के कवर के अंदर आते हैं आपको याद होगा सेप्टेम्बर मंथ का ये न्यूज़ है फोर्टी करोड़ इंडियंस आर अंडर द इंश्योरेंस कवरेज लेकिन अभी हाल में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें बताया गया कि, कि अटल पेंशन सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो वो कितने हो गए हैं तो वो हो गए हैं सिक्सटी फाइव लैख सिक्सटी फाइव लैख अटल पेंशन सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं अटल पेंशन योजना क्या है थोड़ा जानते हैं देखिए अटल पेंशन योजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना आई थी जिसके अंतर्गत जो भी सिटीजन्स हैं उनको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपना पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं पहले गवर्नमेंट जॉब वाले या फिर जो प्राइवेट जॉब में होते थे वो करते थे अब यह होम मेकर्स जो छोटे छोटे इम्प्लॉयज़ हैं अनऑर्गनाइज सेक्टर्स के हैं उन सभी को चांस मिलता है कि वो अपना पेंशन अकाउंट खोलें और पेंशन जमा करें इसके अंतर्गत केवल रुपीज़ फोटी टू हर महीने आपको देना होगा ठीक है अगर आपकी उम्र अट्ठारह साल से अधिक है और साठ साल के बाद आपको एक हज़ार से पाँच हज़ार रुपया मिल जाएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है अटल पेंशन योजना क्वेश्चन नंबर टेन हु हैज़ प्रोमोटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर बी आई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं दीपक कुमार अजय कुमार चौधरी देखिए आर के थोड़े स्ट्रक्चर देख लेते हैं आर में एक तो होता है गवर्नर दूसरे है होते हैं डिप्टी गवर्नर्स उसके अलावा होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये भी काफ़ी सीनियर पोजिशन हैं तो अभी हाल में अपॉइंट हुए हैं दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक कुमार अजय कुमार चौधरी ये बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जी की कोईज देख लेते हैं विच स्टेट बिकम द हंड्रेड परसेंट एल पी जी गैस स्टोव कनेक्टेड स्टेट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करेंट अफेयर के नोटिफिकेशन आता रहे थैंक यू